आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के ऊपर, किन रीजंस की वजह से होती है, किन किन फेजेज या डिमेंशंस के अंदर जो इसको लिया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है, और इसके अंदर प्रोफेशनल हेल्प की कब ज़रूरत पड़ती है। अच्छा डॉक्टर सर, हम बात कर रहे हैं आज पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के ऊपर। सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्योंकि ट्रॉमा जो है वो किसी भी इवेंट की वजह से हो सकता है, राइट? अब पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ वो होती क्या है, कितने टाइम तक होती है और किस तरह से होती है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। अच्छा देखिए, यूजुअली हम लोग जब ट्रॉमा की बात करते हैं तो हमारे जहन में वो डिस्ट्रेस आती है और उसके साथ कई लोगों ने नाम सुना होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का। तो यहाँ पे जो हम लोग जिस टर्म को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है। तो इसकी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ट्रेडिशनली जो मेंटल हेल्थ या फिर साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात की जा रही होती है, तो उसका जब इनिशिएशन हुई थी तो उसका मेन मकसद ये था कि डिजीज़ को भी हम टारगेट करें, यानी कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं या डिजीज़ आती हैं उनको उनका इलाज किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ एक एस्पेक्ट ये भी था कि हम मेंटल हेल्थ को प्रमोट करें या हेल्दी बिहेवियर्स को प्रमोट करें या लोगों की स्ट्रेंथ्स के ऊपर बात की जाए। तो ओवर द टाइम ऐसा हो गया है कि जो एक लॉप साइडेड सी पिक्चर हो गई है कि जो ज़्यादा फोकस होता है वो मेंटल हेल्थ डिजीज़ के ऊपर होता है, मेंटल हेल्थ प्रमोशन के ऊपर या मेंटल हेल्थ के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रमोट कैसे किया जाए या लोगों की स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर बात नहीं की जाती। तो इसी तरीके से पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इसके साथ लिंक्ड है कि आमतौर पे देखा गया ट्रॉमा के बाद लोग यकीनन डिस्ट्रेस से गुजरते हैं और बहुत कम लोग होते हैं, 1-3% लोग जिनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। अच्छा। लेकिन जो मेजॉरिटी होते हैं वो या तो रिकवर कर जाते हैं और उनमें से 30-70% लोग जो हैं वो पहले से भी बेहतर हो जाते हैं अपनी फंक्शनिंग में। तो इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं कि मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें कि कुछ लोग तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डिस्ट्रेस में जाते हैं, मेजॉरिटी डिस्ट्रेस में जाते हैं और वो उससे रिकवर करते हैं, और कुछ लोग रिकवर करने के बाद अपनी बेस लेवल से जितना वो काम पहले करते थे उससे भी बेहतर हो जाते हैं उनको, यानी वो फ्लरिश कर जाते हैं। ठीक है। तो इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। अगर इसको अगर हम एक मैं आपको मिसाल दे के समझाने की कोशिश करूँ कि आमतौर पर जब जैसे कहीं अर्थक्वेक आता है तो वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, तो इसी तरीके से आप अगर इमेजिन करें कि ट्रॉमा के अंदर हमारी ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाती है, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा इतमाद वो कोलैप्स कर जाता है, रिसोर्स कोलैप्स कर जाती है। तो अब उसमें जो आउटकम्स हैं वो ये हो सकते हैं, एक तो ये कि वो बिल्डिंग दोबारा बनाई जाए, ठीक है। अब वो बिल्डिंग अगर बनी है और पहले की तरह बनी है तो ये तो ये भी एक आउटकम हो सकता है, और अगर बिल्डिंग पहले से भी बेहतर बन गई है कि वो अगली दफ़ा अगर अर्थक्वेक आए तो वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर सके या वो सस्टेन कर पाए, यानी वो पहले से इम्प्रूव बिल्डिंग हो, तो उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहेंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये कि इज इट अ न्यू कंसेप्ट और नॉट, बिकॉज PTSD का इतना ज़्यादा जो है वो लोगों ने नहीं सुना हुआ होता और उनको पता भी नहीं होता है। जी असल में PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो काफ़ी ज़्यादा आजकल मीडिया में भी प्रमोट होता है, वो एक डिज़ीज़ है, उसके बारे में फिर भी अवेयरनेस कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ अभी रिलेटिवली इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये न्यू कॉन्सेप्ट है। अच्छा। अगर हम लिटरेचर में देखें या फिर हम हिस्ट्री देखें तो हर रिलीजन में पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के बारे में बात की जाती है, मतलब कि ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें लोगों ने सफरिंग की वजह से ग्रो किया है, फ्लरिश किया है। अच्छा, इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि ट्रॉमा शायद एक डिज़ायरेबल चीज़ है या ट्रॉमा होना ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। ट्रॉमा इन इटसेल्फ एक अनएक्सेप्टेबल चीज़ है जिसको हमें कंडेम करना चाहिए या इसे प्रिवेंट करने के पूरे मेजर्स लेने चाहिए, लेकिन ट्रॉमा के कॉन्सिक्वेंस में जब लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी वैल्यूज़ के साथ, उसमें कई दफ़ा एक होप भी होती है जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं कि लोग फ्लरिश कर सकते हैं, और इसकी मिसालें मौजूद हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा था कि कैंसर एज अ गिफ्ट, तो उसमें अली बनात शायद थे और उसमें उन्होंने बात की थी कि डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई। इस तरह के आप और भी वीडियोस, टेड टॉक्स कई मौजूद हैं, हिस्ट्री में कई और मिसालें मौजूद हैं, पाकिस्तान में कई मिसालें मौजूद हैं, मुनीबा मजारी की, एग्जैक्टली मुनीबा मजारी की भी आप मिसाल ले सकते हैं। डॉक्टर खालिद जमील हैं जिन्होंने डिसेबिलिटी में बहुत काम किया हुआ है, उन्होंने भी एक्सीडेंट के बाद उनकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है डिसेबिलिटी के साथ काम करने में। तो लोग नए पर्पस ढूंढ लेते हैं लाइफ का आफ्टर ट्रॉमा,
तो ये कॉन्सेप्ट प्रीवेलेंट रहा है थ्रू आउट, लेकिन इसको आजकल साइंटिफिकली स्टडी किया जा रहा है. उसमें डॉक्टर रिचर्ड टेडिस्की हैं, उन्होंने ये काम किया था. और ये जो टर्म कॉइन हुई हुई है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, वो इन्होंने कॉइन किया है. लेकिन वैसे ट्रेडिशनली ये कॉन्सेप्ट थ्रू आउट प्रीवेलेंट रहा है. अच्छा डॉक्टर सर, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाह रही, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है, जो हमारा टॉपिक भी है, वो कितना डिफरेंट है पीटीएसडी से? बिकॉज आपने ट्रॉमा को ऑब्वियसली ऑलरेडी कवर किया है. जी जी. उसके आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जी बिल्कुल. इसको थोड़ा सा अगर हम इमेजिन कर लें कि देखिए, ट्रॉमा तो एक इवेंट हो गया जो कि अनडिज़ायरेबल इवेंट था. उसके बाद लोग अगर हम एक ग्राफ बनाएं, तो अगर ये एक बेस लेवल पे एक ग्राफ है, तो जब ट्रॉमा आता है तो अब उसमें एक डिप आ जाता है. लोग डिप कर जाते हैं, उस बेस लेवल से नीचे चले जाते हैं. और उसको जब आप रिकवर करते हैं, तो जब आप पहले बेस लेवल पे आ जाएं, तो उसको रेजिलियंस कहा जाता है. अच्छा. ठीक है, कि आप रिकवर कर चुके हैं, आप ट्रॉमा से रिकवर कर चुके हैं, जिस तरह पहले थे आप उसी फॉर्म में वापस आ चुके हैं. अच्छा, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ ये होता है कि आप उस बेस लेवल से ऊपर चले जाएं, आप अचीव कर जाएं, पॉजिटिव एंड पे चले जाएं, आप ग्रो कर जाएं. और जो पीटीएसडी है, इट्स अ डिजीज़. तो उसमें ये होता है कि पेशेंट जो हैं, ये डिजीज़ में सफ़र करते हैं, तो ये काफ़ी डिस्ट्रेसिंग हो जाता है. तो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ऑपोजिट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम पे कई दफ़ा आ जाते हैं. तो लेकिन इसमें ये कहना भी ज़रूरी है कि कई दफ़ा जो डिस्ट्रेस आ रही होती है किसी भी ट्रॉमा के बाद, लोग तकलीफ़ से गुजरते हैं, उसी तकलीफ़ में कई दफ़ा उसके एंड पे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ अचीव कर पाते हैं. अच्छा. तो जो आपका सवाल था कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो एक डिज़ीज़ है जो कि लोअर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम चला जाता है, जो कि एक डिस्ट्रेसिंग कंडीशन बन जाती है, जिसका इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है. लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एक आउटकम होता है जिसमें वो स्ट्रगल करके ग्रो कर जाते हैं. और ये पॉजिटिव एंड पे ही पॉजिटिव एंड पे. अच्छा, लोग किस तरह जो है वो ग्रो कर जाते हैं इस तरफ आने के लिए? लाइक लेट्स सपोज इफ समबडी हैज सफर्ड अ ट्रॉमा, जो कि टॉर्मेंटिंग होता है ऑब्वियसली हर बंदे के लिए, और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के फेजेस से गुजरता है, उसके बाद कितना आसान होता है या कितनी जल्दी से वो आ सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं वो इस तरफ, या इसको डेवलप कर सकते हैं? जी बिल्कुल. देखिए, एक तो ये चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ट्रॉमा के बाद का टाइम किसी भी शख्स के लिए बहुत तकलीफ़देह होता है, और उसमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है. तो और सारे लोग, ज़रूरी नहीं है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ अचीव कर पाएँ. इट्स नॉट ए यूनिवर्सल फिनोमेना, लेकिन 30-70%, 30-70%, ये काफ़ी बड़ी फिगर है, उसमें लोग कहीं ना कहीं किसी डोमेन में पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ अचीव कर पाते हैं. और वो डिफरेंट डोमेन्स हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं, जिसमें वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ देखते हैं. एक तो पर्सनल स्ट्रेंथ के लिहाज से, मतलब अच्छा. वो ज़्यादा सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं. okay. उनको अपनी ज़ात पे ज़्यादा एतमाद आ जाता है. उनके जहन में वो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वो सर्वाइवर हैं, और अगर वो इतने बड़े ट्रॉमा को सर्वाइव कर सकते हैं, तो आगे शायद आने वाली परेशानियों को भी फेस कर पाएंगे. और इसी तरह एक और डोमेन होता है जिसको अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ कहा जाता है. ऐसे लोग आपने देखा होगा, वो उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ शिफ्ट हो जाती हैं. वो लाइफ में जो स्मॉलर थिंग्स होती हैं उनको इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं, और जो वर्ल्डली पोजेशंस होती हैं, मनी या फिर स्टेटस, इसके पीछे इतना नहीं जाते. उनकी वैल्यूज़ चेंज होना शुरू हो जाती हैं, वो लाइफ को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, अपने टाइम को ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. तो दूसरा डोमेन ये लाइफ की अप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन ऑफ टाइम है. और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो आती है, वो इनमें जो रिलेशनशिप्स होती हैं लोगों के साथ, जो कनेक्ट करने की सलाहियत होती है, वो इम्प्रूव कर जाती है. नेटवर्किंग कह सकते हैं, ये दे बिकम मोर कंपैशनेट. तो वो लोगों का दुख ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकते हैं, लोगों के साथ बेहतर एम्पथाइज कर सकते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि वो खुद शायद ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, तो उनको लोगों का दुख बेहतर तरीके से समझ आना शुरू हो जाता है. और इसकी आप मिसाल देखेंगे कि क्लिनिकल केसेस में हमारे पास भी कई मदर्स आती हैं. एक हमारे पास इस तरह का मेरे जहन में एक वाक्य आ रहा है कि डाउन सिंड्रोम के साथ कुछ मदर्स थीं, उन्होंने ऑटिज़म के साथ कुछ मदर्स थीं, उनके बच्चों में ऑटिज़म डायग्नोज हुआ था. तो उन्होंने उस परेशानी को अपनी लाइफ का मीनिंग बना लिया, और उन्होंने अब एक सेंटर रन कर रहे हैं वो लोग, जिसमें बच्चों की हेल्प की जाती है, ऑटिज़म के बच्चों की हेल्प की जाती है. तो लाइफ में एक नया डायमेंशन ऐड हो जाता है, तो एक पर्पस ऐड हो जाता है. तो ये एक और एस्पेक्ट है कि वो लोगों का दुख दर्द में महसूस कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स में बेहतर हो जाते हैं, नई प्रोबेबिलिटीज़ ऐड हो जाती हैं, नए मकसद मिलना शुरू हो जाते हैं. और ये मकसद आम मकसद से हट के होता है, टिपिकल वर्ल्डली पोजेशन के ऊपर नहीं होता.
दे फाइंड अ मीनिंग. और इसके अलावा जो आखिरी डायमेंशन है, दे बिकम समटाइम्स मोर स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअलिटी अब रिलीजन के लिहाज से भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है. तो ये पांच डोमेन्स हैं जिसमें वो ग्रो कर सकते हैं. राइट डॉक्टर सर, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है हमें पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को अचीव करने में या नहीं, या बंदा खुद भी अपने उनके पर कर सकता है इसको अचीव? देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है कि देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कि ट्रॉमा के बाद सब लोगों को प्रोफेशनल हेल्प की शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन उनको सोशल सपोर्ट की ज़रूर ज़रूरत होती है. तो ये सोशल सपोर्ट जो है वो प्रोफेशनल के अलावा भी लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके करीबी फैमिली मेम्बर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और कम्युनिटी ऑन द होल भी प्रोवाइड कर सकती है. तो ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशनल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करेगा. इसमें उनके करीबी दोस्त, उनके फैमिली मेम्बर्स जो लोग ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, वो हेल्प कर सकते हैं. तो इसमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल हेल्प भी हेल्प कर सकती है. ठीक है. वैसे यूजुअली आपके पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं ट्रॉमा के बाद जो जिनके अंदर आप देखें कि वो लोग इस तरफ जा रहे होते हैं ग्रोथ की तरफ, पॉजिटिव साइड के ऊपर आफ्टर अ ट्रॉमा विद योर हेल्प? जी बिल्कुल. देखिए, असल में उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें बंदे की अपनी होनी चाहिए. देखिए, हमेशा जब भी कोई थेरेप्यूटिक प्रोसेस होता है तो उसमें डॉक्टर से ज़्यादा थेरेपिस्ट का रोल हमेशा फैसिलिटेटिव होता है. तो जो शख्स थेरेपी में होते हैं, जो लोग ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, हमेशा वो जितना स्ट्रगल वो खुद करते हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज की वो खुद लेते हैं, उतनी ज़्यादा चेंज आती है. ठीक है. तो इसमें भी यही रूल अप्लाई होता है कि जितना ज़्यादा एफर्ट उस ऐसे शख्स जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं वो जितना ज़्यादा एफर्ट करते हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उतना थेरेपी में इफेक्टिवनेस आती है. ठीक है. अच्छा, अब बिकॉज आपने भी कहा कि लोग जो है वो ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ से निकलने में, राइट? ग्रोथ को अचीव करने के अंदर जो लोग किस तरह से अब हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज आपने कहा कि लोग जो है वो ज़्यादा मेन रोल इसमें प्ले करते हैं, तो किस तरह से वो कर सकते हैं? जी बिल्कुल. इसमें इसके बैकग्राउंड में अगर हम इसका प्रोसेस थोड़ा सा समझें, एक तो ट्रॉमा के बाद ये होता है, जिस तरह मैंने वही बिल्डिंग वाली मिसाल दी थी कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है, जो आपके बचपन से अकायद होते हैं कि मैं कितना सेफ हूँ, लाइफ कितनी सेफ है, लाइफ कितनी प्रिडिक्टेबल है, ये सारी चीज़ें चैलेंज हो जाती हैं. अच्छा. जब भी ट्रॉमा से आप गुजरते हैं, वो इतना बड़ा सदमा आप देख रहे होते हैं, इतनी बड़ी परेशानी होती है कि सारी चीज़ें चैलेंज हो जाती हैं. आपने देखा होगा लोग उसमें ऐसे सवाल कई दफ़ा जिक्र कर रहे होते हैं कि मेरे साथ इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस क्यों हुआ, और वो कहीं ना कहीं उसका कोई रीज़न ढूंढना चाह रहे होते हैं. तो वो शदीद तकलीफ दे कैफियत होती है. तो ये सारे के सारे आपका बिलीफ सिस्टम चैलेंज हो जाता है. लेकिन उसमें ही ग्रोथ की भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वो सारे बिलीफ, वो बार बार जहन में वो सवाल आ रहे होते हैं, अगर उस वक्त वो डिस्क्लोज करना शुरू करें, अपनी ये परेशानी शेयर करना शुरू करें, और लिसनिंग, हाँ जी, लिसनिंग ईयर्स हों, सोशल सपोर्ट उस वक्त मौजूद हो, तो उसकी वजह से ये होता है कि कई लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है. एटीट्यूड इस तरह चेंज होता है कि जिस प्रॉब्लम को वो शायद डिज़ास्टर समझ रहे होते हैं, उसको चैलेंज समझना शुरू कर देते हैं. सही. तो ये जो मेंटल शिफ्ट आता है, उसकी वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ फैसिलिटेट हो सकती है. और उसमें एक और एस्पेक्ट ये होता है कि वो सेंस मेकिंग शुरू कर देते हैं. सेंस मेकिंग का मतलब ये है कि जो वाकयात बुरे पेश आए हैं उनके साथ, उसका कोई ना कोई एक पॉजिटिव पहलू वो ढूंढना शुरू कर देते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर इसरार, दैट वाज रियली हेल्पफुल. आप अगेन शो से रिलेटेड कोई हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, हमें कुछ भेजना चाहते हैं, तो thehealingroom@dbtv.live पे भेज सकते हैं. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स. खुदा हाफिज़.